घर बैठे स्टडी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और मात्रा किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वर्ण, तो सबसे पहले हम यहां पे वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, ये जो है वर्ण है, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पे एक उदाहरण लेते हैं, यहां पे पानी। पानी शब्द जो है दो ध्वनियों से मिलकर बना है, पा और नी, इनके भी चार खंड है। जैसे यहां पे प जोड़, इसमें आ की मात्रा है, उसी तरह यहाँ पे नी है तो न, और इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा है। तो इस तरह से जो है हम इसको चार भागों में बांट दिए। लेकिन अब जो है इसके जो है हम खंड नहीं कर सकते हैं, तो यही जो है ये वर्ण है। यानी जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 है। कितने? 52 है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसके सहारे हम हिंदी पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। ये 52 वर्ण यदि हम इसको याद कर लेंगे, इसकी पहचान कर लेंगे, तो हम टोटली हिंदी को आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जैसे इसमें जो है एक आता है वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट भी कहते हैं। जैसे यहां पे अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, आए, ओ, और भी आगे होगा अह तक ले। उसके बाद क, ख,
ग घ अंग, इस तरह से ज्ञा तक ले होगा। यानी इसी वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे करते करते जेड तक ले होता है, तो इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है मूलतः दो प्रकार के है, एक स्वर वर्ण जिसको हम वोवेल कहते हैं, और दूसरा जो है व्यंजन वर्ण, इसे हम इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। तो आप इसको जो है याद कर लीजिए, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो सिंपल से आपका आंसर होगा दो। कौन कौन से हैं, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार हैं, चाहे वर्ण किसे कहते हैं या वर्णमाला किसे कहते हैं। अब हम प्रकार यहां पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर, तो अभी हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए इसका हम परिभाषा देखते हैं। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई ई ओ ओ री ए आए ओ आओ, ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के तीन प्रकार हैं, एक जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत। तो इसको भी हम बारी बारी से समझाएंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, और ह्रस्व स्वर जो है कौन कौन से स्वर होता है, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, और दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, और प्लुत किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ह्रस्व। तो ह्रस्व जो है इनके उच्चारण में जो है कम समय लगता है, जैसे अ ई
री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। आप इसको याद कर लीजिए और इसकी पहचान भी कर लीजिए, अ आ उ री। दीर्घ स्वर वैसा स्वर है जिसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? आ ई उ ए आए ओ आओ, ये जो है दीर्घ स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। तो चलिए अब देखते हैं हम प्लुत। प्लुत क्या है? इसके उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी तिगुना समय लगता है, सबसे ज्यादा इसमें समय लगता है इसके उच्चारण में। जैसे ओम, ओम आपने ओम देखा, ओम बहुत ज्यादा समय लगता है इसके उच्चारण में। तो आप समझ गए होंगे कि स्वर को जो है तीन भागों में बटा गया है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत। और ये भी सीखे होंगे कि ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं, अ ई उ री, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वहीं दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी इनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। और प्लुत जिसमें तिगुना समय लगता है, जिसे ओम, और इसको जो है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ की ध्वनि छिपी रहती है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है। जैसे क, क में अ है, क आप पढ़िए इसको, क साउंड क्या आ रहा है, क के साथ में अ भी आ रहा है। तो यहां पे क्या है, ये आधा क है, इसको पढ़ते हैं क, क्या पढ़ते हैं क, क जब इसमें अ मिलता है तब इसको पढ़ते हैं क। उसी तरह से ख, तो ख में क्या क्या है, ख में भी अ है, ग इसमें भी, ग में भी अ है, यानी अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो आप जान लीजिए कि व्यंजन वर्ण जो है किस पे आश्रित है, स्वर वर्ण पे आश्रित है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 33 है। तो आगे हम देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को जो है मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दो में है अंतःस्थ व्यंजन, और तीन में है उष्म, यानी
व्यंजन के प्रकार जो है तीन है, पहला स्पर्श व्यंजन और दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो आज के वीडियो में आपने सीखा है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं या इसको आप याद कर लीजिए ताकि आप किसी भी एग्जाम में आप इसको आसानी से लिख सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी हिंदी पढ़ना लिखना आसानी से सीखें।